हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम फिर से कह रहे हैं कार फॉर सेल। जैसे कि आप पिछली वीडियो में हमने घर भी खरीद लिया था, शोरूम का भी जमीन खरीद लिया था, जितना भी था लार्ज एरिया लिया था, और शोरूम करते करते हमारी रात हो गई थी तो हम चल गए थे सोने के लिए। तो आज सुबह हो चुका है, तो चलते हैं पहले फटाफट अपने ऑफिस पे। ये रहा अपना ऑफिस जो कि हमने पिछली वीडियो पे एक फ्लोर कंप्लीट कर लिया था। तो अभी चलते हैं पहले सबसे एडिट मोड पे और इसको कंप्लीट करते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि गाइस पहले दो फ्लोर का रखते हैं, बाद में अगर पैसा होगा, क्योंकि ये सारा पैसा निकल चुका है। तो अभी हमारे पास मात्र 3 लाख है, तो फटाफट इस काम को कंप्लीट करते हैं। तो चारों साइड हमने लगा दिया है अच्छा से प्रॉपर विंडो, अब बचा है ऊपर का वॉल लगाना, तो फटाफट वॉल को कंप्लीट करते हैं। तो यार एक तो इतना ज्यादा बड़ा लार्ज एरिया है कि लगाते लगाते पूरी पसीना निकल गया, तो खैर इसको कंप्लीट करते हैं। तो बस लग ही गया, अब थोड़ा सा ये बचा था, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो ऑलराइट गाइस, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, अब बचा ये घोड़ा लगाना जो कि डेकोरेशन में है, तो इसको ही फटाफट लगा देते हैं। बट गाइस मुझे लगता है ऊपर सही रहेगा, अगर बाद में आगे पीछे करना पड़े तो कर लेंगे, देखते हैं अभी। बट यहाँ पे हम पहले लगा देते हैं। अब यार सामने का विंडो लगाना होगा, तो विंडो के लिए मुझे लगता है ये यार मतलब थोड़ा ओल्ड फैशन लग रहा है, बट कोई नहीं, अभी लगाते हैं, बाद में देखा जाएगा क्या करना है। तो इसको यहाँ पे एक हमें गेट भी लगाना है, बट मुझे लगता है शटर वाला लगाते बेस्ट रहेगा, मतलब यूनिक गेट लगाते, क्योंकि पहले वाला जो था गेट हमारा वैसा नहीं था, बट अब जो है मतलब कि पूरे चारों तरफ से गैरेज कवर है। और अभी टाइम भी हो गया, तो चलते एक बार हम देख लेते कार ऑक्शन में, अगर कोई गाड़ी दिख जाए हमें सुपर कार तो फटाफट भगाते कार ऑक्शन की। और तो गाड़ी भगाते भगाते हम आ चुके हैं कार ऑक्शन पर, इससे पहले टिकट लेते हैं और एक बार देख लेते हैं। भाई साहब कार ऑक्शन चालू हो चुका है, बट यहाँ पे गाड़ियाँ यार टाइम बर्बाद होगा, जब तक यहाँ पे हो रहा तब तक हम थोड़ा बैक करके देखते रहेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा एडिट भी कर लेते हैं अपने शोरूम को। तो यहाँ पे हमने लगा दिया अपने टेबल को, अब यहाँ पे लगाते सोफा, बट एक गाड़ी और आ गई है, थोड़ा देख लेते हैं। बट यार कोई खास गाड़ी आ नहीं रही है, तो गाइस हमने लगा दिया अपने कंप्यूटर को, बाकी हमें लगाना होगा टेबल और जो सोफा होता है, ताकि कस्टमर आके बैठ सके, थोड़ा यूनिक लगे, मतलब कि एकदम लगना चाहिए कि शोरूम है बड़ा में। तो देखते हैं पहले नीचे में हम यहाँ टेबल को लगाते, यहाँ पे अगर इंस्टॉल हो जाए तो भैया सीधा करके इसको लगाना होगा, ताकि लगे, देखने में भी अच्छा लगना चाहिए अपना शोरूम। तो खैर यहाँ पे एक लगा दिए, चेयर हमने लगा दिया, सोफा मतलब कि, तो फाइनली इतना काफी होगा एक साइड का। अब यार यहाँ पे तीसरी गाड़ी भी आ चुकी है, बट ये कौन सी गाड़ी है, BMW लग रही है मुझे बैक यार, ये मतलब गाड़ी ही नहीं आ रही, कुछ सुपर कार आए तो हम खरीद भी ले, बट पैसा भी तो नहीं है, मात्र 2 लाख है। तो खैर हमने यहाँ पे 2 लगा दिया है, तो अब आगे लगाते हैं। तो डेकोरेशन का सारा सामान हो गया, बट यहाँ पे ये किसने लगाया पता नहीं। खैर एक यहाँ पे था हमारा सपोर्ट में, तो उसको भी लगा देते सेंटर में, 2 को लगाएंगे साइड में ताकि मस्त लगे, क्योंकि नीचे में तीनों गाड़ियाँ घूमेगी। और ये क्या हुआ, रात हो गई भाई साहब, करते करते रात हो गई। खैर यहाँ पे एक लगा देते, बाकी एक सेंटर में, 2 को पीछे में, मस्त लगेगी कि जब गाड़ियाँ खड़ी रहेगी। तो खैर अब सीढ़ी लगा लेते, बाकी इसका ऊपर हमें तोड़ना होगा, तो फटाफट डिलीट करते ऊपर का जो हमारा जो वॉल है, तो उसको हटाना पड़ेगा हमें, तो फटाफट इसको हटा लेते हैं। बाकी यहाँ तक इतना काफ़ी होगा, बाकी मुझे लगता है कि एक शीशा यहाँ पे भी लगा हुआ फालतू का, तो उसको भी हटा देते। बाकी ऑलराइट गाइस सब हो चुका है। अब यार हमने नाम को ऊपर कर दिया, क्योंकि वहां पे हमें शीशा लगाना था, विंडो लगाना था, इसलिए हमें अच्छा नहीं लग रहा था ओपन, क्योंकि चारों तरफ से बंद है शोरूम और सामने ये एक शीशा खुला था, तो बेकार लग रहा था। तो खैर अब हम इसको ऊपर कर दिए है और यहाँ पे लगाते हैं शीशा, ताकि सब कवर हो जाए, क्योंकि इससे पहले वाला जो हमारा शोरूम था वो मतलब खुला था चारों तरफ से, और डस्ट बहुत ज्यादा मतलब गाड़ियां होती थी। तो खैर अब बचा ये आखिरी सपोर्ट जिससे गाड़ियां ऊपर जाएगी, तो यार इसको हटाते हटाते मेरी मतलब आधी जिंदगी निकल गई, तब जाके ये यहाँ पे फिट बैठी है। तो खैर यहाँ पे कंप्लीट करते शीशा लगा के फटाफट। तो फाइनली इस रात भी हो गई है और हम अभी भी यहीं खड़े, बाकी ये बंदा भी यहीं खड़ा है, चलते हैं फटाफट सोने के लिए। बट एक सेकंड पहले अपने ऑफिस आ जाते हैं, और ये देखो भाई साहब क्या ही लग रही है, तो गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी होगी। तो चलते पहले एक बार ऊपर, आपको दिखाते ऊपर का टूर कैसा है, मतलब अंदर से कैसा काम करवाया। तो मुझे लगता है यहाँ पे लगेगी वाल, तो ठीक है इसे हम बाद में लगा देंगे, बाकी यहाँ से मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे वाल, कोई दिक्कत नहीं है, लगा देंगे। खैर यहाँ पे सेंटर में एक रखा है, बाकी और कोई जरूरत नहीं है। बाकी यार क्या ही लार्ज एरिया, जिसको सीढ़ी से आना होगा कस्टमर सीढ़ी से आएगा, अगर पैसा होगा तो ऊपर भी बनाएंगे। खैर चलते बाहर, बट एक सेकंड ये गेट खुल नहीं रहा, एक लौता गेट है यार, खुल क्यों नहीं रहा, जाम हो गया क्या, मतलब भाई साहब गेट नहीं खुल रहा है हमारा, मुझे लगता है ये गाड़ी के अंदर बैठेंगे तभी खुलेगा वो भाई साहब, मतलब कि हमें एक गेट भी लगाना होगा आम आदमी के लिए, जिससे वो अंदर बाहर जा सके। तो चलते हैं फटाफट अपने सोने के लिए, रात भी हो गई है तो फटाफट चलते हैं। तो ऑलराइट गाइस सुबह हो चुका है, और ये रहा अपना फरारी जो कि बहुत ज़्यादा गंदा है, ये येल्लो से कभी गोल्डन दिखता है, कभी येल्लो दिखता है, कभी ग्रीन दिखता है, मतलब यूनिक रंग है यार, मतलब एक नंबर कलर कराया मैंने। तो खैर हम आ चुके हैं गाड़ी भगाते भगाते अपने ऑफिस पे, भाई साहब क्या ही गेट खुली, क्या एंट्री हुई है, मतलब ऑसम। तो चलते हैं, बाकी कूड़ा करकट ये साफ कर दिया, मस्त लग रहा है। तो चलते इसको ऊपर खड़ा करेंगे, सेंटर में खड़ा करेंगे। तो हम आ चुके हैं, बाकी यार क्या ही गाड़ी यहाँ खड़ी होगी।
तो इसको फटाफट यहाँ पर लगाते हैं, और अभी भी हमारे पास 2 लाख है तो फटाफट चलते नीचे। बाकी यार सबसे बड़ी और ऊंची बिल्डिंग हमारी लग रही है, तो एक पहले गेट इंस्टॉल कर देते हैं फटाफट। तो ये रही अपनी गेट जो कि हमने लगा दिया आम आदमी के लिए। बाकी ये गेट तो गाड़ी के लिए खुलेगी, इसमें मतलब सेंसर है कि जब तक गाड़ी नहीं लाओ तब तक ये खुलती नहीं है। खैर ये मस्त लग रही है, शोरूम पूरी मतलब अपग्रेड हो गई है, अगर पैसा होगा तो ऊपर वाला फ्लोर भी कर लेंगे। तो गाइस कार मार्केट खुली है, तो चलते हैं पहले कार मार्केट। अब मुझे कार मार्केट में दिखी पोर्शे जो कि यार मतलब कि बस औकात में दिख गई हमको, तो फटाफट इसे बार्गेन किए, बट ये रेट कम नहीं करी थी तो इसको लास्ट प्राइस हम दिए अगर ये मान जाए तो। खैर फाइनली ये मान चुका था, फटाफट अपने स्लॉट पे भेजते। बाकी एक फरारी हमारे पास है और नहीं चाहिए तो एक ऑडी दिखा हमें, तो ऑडी से बात करते। तो इसका भी रेट हमने दिया बट इसने नहीं माना, तो दोबारा हमने रेट दिया। तो अगर इसमें मान जाता तो अच्छी बात है, तो मुझे लगता है मान गया। तो फाइनली ये भी कुछ ज्यादा दाम का नहीं है, तो इसको फटाफट ऑफिस पे भेजते। बाकी एक गाड़ी ये दिख रही है जो कि अभी मेरे पास मात्र जितना बैलेंस था सब उड़ जाएगा, मात्र 1000 समथिंग बचेगा। तो गाइस 3000 हमने बचा लिया। अब चलते हैं फटाफट अपने ऑफिस पे, सारी गाड़ियों को अपडेट करवाते हैं, अब रिपेयर करवाते हैं। तो हमने 2 गाड़ियों को लगा दिया रिपेयर पे, तो ये रिपेयर हुई, तब तक इस काले वाले को हम ले चलते अंदर कोना में से लगा लेते। अब बारी है दूसरी पोर्शे की, तो यार पोर्शे को भी हमने रिपेयर करवा दिया, अब इसको ऊपर लगाएंगे सामने में। बाकी एक फरारी यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसको यहाँ पे लगा लेते सामने, शीशा के पास रहेगा, गाड़ियाँ दिखेगी मस्त एकदम, पोर्शे और भी सुपर कार दिखेगी सामने। बाकी रात भी हो चुकी है, सारी गाड़ी आ गई, अब फाइनल लुक देखो यार क्या ही लग रहा शोरूम का। तो ऑलराइट गाइस आज के लिए इतना ही, हमने सारा शोरूम को अपग्रेड कर लिया टोटल, अब आगे बाद में करेंगे। मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।